10 मई को धरती पर 20 साल से भी ज्यादा समय में सबसे शक्तिशाली सौर तूफान टकराया। यह तूफान इतना जबरदस्त था कि तस्मानिया से लेकर ब्रिटेन तक कई जगहों पर आसमान में रंग बिरंगी अद्भुत रोशनी दिखाई दी। आम तौर पर यह नजारा अलास्का, नॉर्वे जैसे ठंडे देशों में दिखता है, लेकिन इस बार पहली बार 11 मई 2024 को भारत में भी यह अद्भुत नजारा देखा गया और हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने इसे अपने 360 डिग्री कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के साथ एक चिंता की बात भी है। यह तूफान इतना शक्तिशाली है कि इससे हमारे सैटेलाइट्स और बिजली के ग्रिड्स पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि यह सौर तूफान क्या है, कैसे आया और इससे हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। सौर तूफान आखिर है क्या? सौर तूफान असल में सूर्य की सतह पर होने वाले भयंकर विस्फोट हैं। इन विस्फोटों से अरबों टन ऊर्जा और चार्ज कण अंतरिक्ष में फैलते हैं। ये चार्ज कण, जिन्हें हम सोलर वाइंड भी कहते हैं, जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। इस टकराव से आसमान में रंग बिरंगी रोशनी पैदा होती है, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। ये नजारा देखने में जितना खूबसूरत होता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। ऑरोरा, आसमानी रंगों का जादू। ऑरोरा को नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स भी कहा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें पृथ्वी के किस हिस्से से देख रहे हैं। ये हरे, गुलाबी, बैंगनी और कभी कभी लाल रंग में भी दिखाई दे सकते हैं। ये नज़ारे ध्रुवीय इलाकों में ज्यादा दिखते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े सौर तूफानों के दौरान ये दूसरे इलाकों में भी देखे जा सकते हैं। इस बार के तूफान की खास बात क्या है? इस बार का तूफान अपने आकार और तीव्रता के कारण खास है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 20 सालों में इतना बड़ा सौर तूफान नहीं देखा गया। इस तूफान से निकलने वाली ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकती है। सौर तूफान से क्या खतरा है? ये खूबसूरत ऑरोरा एक चेतावनी भी है। सौर तूफान हमारे आधुनिक जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। ये हमारे संचार सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो, GPS और सैटेलाइट सिग्नल, जिससे हवाई जहाज उड़ाने, शिपिंग और यहाँ तक कि मोबाइल नेटवर्क भी बाधित हो सकते हैं। बिजली ग्रिड पर भी इनका असर हो सकता है। 1989 में एक सौर तूफान ने कनाडा के क्यूबेक प्रांत में 9 घंटे के लिए बिजली गुल कर दी थी। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी ये खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में ये हानिकारक रेडिएशन के संपर्क में आ सकते हैं। हम कैसे तैयार हो सकते हैं इससे बचने के लिए? अच्छी खबर ये है कि वैज्ञानिक लगातार सूर्य पर नजर रखते हैं और सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। कई देशों में चेतावनी सिस्टम है जो लोगों को सौर तूफान के आने से पहले सतर्क कर देते हैं। सरकारें और कंपनियां भी अपने महत्वपूर्ण सिस्टम को सौर तूफानों से बचाने के लिए तैयारी करती हैं। वैज्ञानिक इस तूफान पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल यह तूफान धरती के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन अगर यह तूफान और तेज होता है तो इससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। सौर तूफान जैसे प्राकृतिक घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। सूरज की गतिविधियां हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए हमें इन घटनाओं के बारे में जागरूक रहना चाहिए और खुद को तैयार रखना चाहिए। वैज्ञानिक इस तूफान के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह तूफान जल्द ही कमजोर पड़ जाएगा और धरती पर कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, आपका इस सौर तूफान के बारे में क्या कहना है? क्या आपने कभी ऑरोरा देखा है? क्या आपको लगता है कि हमें इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं के लिए ज्यादा तैयार रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।